जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का संसार का सब तो छोटा स्वरूप जिस दे दर्शन कर रहे हो एक इंच बाय डेढ़ इंच दे विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का यह स्वरूप है। बोले चौदह सौ तीह अंग हूबहू उस तरीके दे नाल केवल एक इंच बाय डेढ़ इंच दे विच ए स्वरूप है। जिस वेले फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम महायुद्ध जंग छिड़ी सी उस समय भारत अंग्रेजां दा गुलाम सी अधीन सी इत्थे ब्रिटिशर्स दा रूल सी। जिस समय जर्मनी इंग्लैंड दे उपर हावी हो रहा सी ते ब्रिटिशर्स दी फौज हार रही सी उस समय हिंदुस्तान दे विच भारत दे विच ब्रिटिशर्स ने पहली सिखां दी फौज तैयार कीती अते उस फौज दा नां रखिया गदर दी फौज। उन्हां गुरसिखां नूं ब्रिटिश गौरमेंट ने कहा कि विदेश दी धरती ते लड़ाई लड़न वास्ते जाना है, पर उन्हां अणखीले गुरसिखां ने सब तो पहला अकाल तख्त साहिब पुजे, उत्थे पहुंच के उत्थे दे जथेदार साहिब नूं बेनती कीती कि जदों तक असी अपने धरती ते लड़दे रहे हां एक्सरसाइज करदे रहे हां जो साडी धरती साडे गुरुआं दी चरण छो प्राप्त धरती है इस धरती ते साडा ए दाड़ा जो गुरु की मोर है इस धरती ते लगे सानू कोई अफसोस नहीं, पर जदों असी विदेश दी धरती ते जावांगे जिथे अंग्रेजां दे लेदर दे बूट चले होणगे उस धरती ते साडा ए दाड़ा लगे सानू मंजूर ने। पहली वार अकाल तख्त साहिब दे जथेदार साहिब ने गुरमता कर उन्हां गुरसिखां नूं अपने दाड़े दी सांभ वास्ते नैट लगाण दा आदेश दिता। अज भी असी देखदे हां जिहड़ी सिख रेजिमेंट है इंडियन आर्मी दे विच ओह नैट लाउंदी है गुरसिख। ਉਹ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ इंग्लैंड दा जापान नाल अलायंस सी। जापान एक ऐसा मुल्क है जेड़ा वर्ल्ड दे विच टेक्नोलॉजी च सब तो अगे रहिंदा है। जापान दे साइंटिस्टां ने बड़ी रिसर्च अते खोज विचार करके ऑफसेट टेक्नोलॉजी राही सब तो लाइट वेट पेपर दे विच ए एक बाई डेढ़ इंच दे विच स्वरूप तैयार कीती ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਫਾਈਨ ਗਲਾਸ ਤੇ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰ 5 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਣਖੀਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ
जेडे मुड़ भारत हिंदुस्तान वापस पहुंचे उन्होंने यह स्वरूप गुरु साहिब जी के पावन पवित्र अस्थान तख्त सचखंड श्री हजूर साहब विखे दर्शनी भेटा वजो ए स्वरूप महाराज के इस अस्थान से भेट किया, जिस स्वरूप न गुरु साहिब जी की कलगी के सन्मुख रखा जाता है। इस स्वरूप के सानू सारिया नू साल दे विच केवल एक दिन तख्त इशनान वाले दिन दर्शन होंदे ने। साध संगत जी, इस स्वरूप के दर्शन करन तो बाद साडे मन दे विच साडे हिरदे दे विच इको एक भावना जगनी चाहीदी है ते इस अस्थान तो प्रण करके जाना चाहीदा। अज तो 100 साल पहला जिन्हां गुरसिखां ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बिना दर्शन कीतियां ना विदेश दी धरती ते गए ते ना लड़ाई लड़न वास्ते उन्हां ने हामी भरी, अज जगे जगे थां थां पिंडा पिंडा दे विच शहरां दे विच किते ना किते गुरु घर है, गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश है। पर असी अज उस धरती ते हां जिथे साहिब कमाल सरबंस दानी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपना सरबंस वार के इस धरती ते आके दसा गुरुआं दी जोत नू गुरता गति दित्ती, इस अस्थान नू प्रगट कीता जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू गुरता गति दित्ती उते उथे ही समूचे संसार दे प्रति हुक्म जारी कीता। अज तो बाद बिना किसे सिवाय गुरु ग्रंथ साहिब तो अलावा किसे नू गुरु जान के नहीं मनना। सो अज तो बाद इस स्थान ते अरदास करिए जिन्नी साडी जिंदगी रह गई है उस दे विच 24 घंटियां दे विचो साडा जिंदगी दा एक समा ऐसा खाली ना जावे जिस दिन साडा ए मथा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणा दे विच पहुंच के साडे मथे ते गुरु ग्रंथ साहिब दी चरणा दी धूड़ ना लग सके। महाराज कृपा करन रोज जे असी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मथा टेकांगे दर्शन दिदारे करांगे महाराज दी चरणा दी धूड़ साडे मस्तक ते लगेगी साडा ए जन्म सफला है। गुरु साहिब जी दा फरमान है सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा। सारे फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का।